हेलो बच्चों, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है ये क्वेश्चन, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन है जिसकी वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद निकाली गई है, 0 टू 1 आया है। इसमें बोला है dy / dx निकाले। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये क्या दिया है। तो आप जान लो, हमें बेसिकली इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें dy / dx निकालने के लिए इस फंक्शन को यूज करना पड़ता है। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा होता है कि ये इसका डोमेन है, यानी कि इसको जब सॉल्व किया गया है, कॉस इनवर्स का डोमेन की वैल्यू होती है माइनस वन से वन, जब इसको माइनस वन से वन के बीच में रख के सॉल्व किया गया है तो उसकी एक्स की वैल्यू आई है 0 to 1। सो ये इंडिकेट करता है यहाँ से। अब बच्चों देखो, अगर हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने लगें तो बहुत ही लंबा होने वाला है, ठीक है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस वाले कॉस इनवर्स एक्स को हम हटाते हैं। इसको हटाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। सो इस पूरे को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ लेट करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू को। यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम लेट करते हैं टैन थीटा, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपको पता होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये देखो, कॉस इनवर्स ये हो गया, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस 2 थीटा। यहाँ से देख लो, ये फार्मूला है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जहाँ से हमने लेट किया वहीं से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, जब ये टैन इस साइड में जाएगा इक्वल साइड में, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स। सो वाई विल बी, वाई हो जाएगा यहाँ से 2 टैन इनवर्स एक्स। अब dy / dx निकालना है, तो क्यों नहीं हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर लें, dy / dx ही तो जाइए, तो हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस वाले फंक्शन को। सो dy / dx क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, टैन इनवर्स का होता है डेरिवेटिव 1 / 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर।